हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एप्पल ने अपना iOS 13.6 जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है लॉन्च। और मेरे आईफोन XS पर इसका जो साइज़ है वो है 387.4 MB। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें इस बार नए नए फीचर्स जो इस अपडेट के साथ आए हैं। और उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये अपडेट आने से पहले मेरे फ़ोन में स्टोरेज कितनी थी। तो अपडेट आने से पहले मेरे फ़ोन में जो अवेलेबल स्टोरेज थी वो थी 159.86 GB। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आए हैं नए फीचर्स। तो अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ फीचर्स की लिस्ट। तो ये है कुछ फीचर्स की लिस्ट। और सबसे पहला जो फीचर इसमें है वो है डिजिटल कार कीज़ का। ये वाला फीचर iOS 14 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इसके बारे में मैंने iOS 14 की वीडियो में बताया भी था कि अब आपको जो है अपने फ़ोन से ही NFC के थ्रू आप कार को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर जो है अभी हर एक कार में अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली जो BMW की नई सीरीज़ आने वाली है 2020-21 में, उन्हीं में ये फीचर्स आएगा। तो ये एक फ़ीचर है जो डिजिटल कार की का एप्पल ने लॉन्च किया है, जिसको आप सिक्योरली अपने फ़ोन के थ्रू ही कार को लॉक अनलॉक स्टार्ट भी कर सकते हैं, की चाहे आपके पास हो चाहे ना हो। और इसकी एक जो काफ़ी अच्छा फीचर इसमें एप्पल ने निकाला है वो ये है कि एप्पल क्लेम करता है कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और फ़ोन बंद भी हो जाता है तो उसके बाद भी 5 घंटे तक आप अपनी कार को अपने फ़ोन से अनलॉक कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो दूसरा नया फीचर आया है वो आया है हेल्थ की ऐप में, जिसमें कि अब एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई है सिम्टम्स की, जिसमें कि आप फीवर, चिल, सोर थ्रोट, जो भी मेंशन सिम्टम्स है, इसके अलावा काफ़ी सारे और सिम्टम्स हैं वो सारे उसमें ऐड कर दिए गए हैं, जिसको कि आप अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप के साथ। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये है हेल्थ ऐप। इसमें जैसे आपने क्लिक किया तो ब्राउज में जाएंगे तो नीचे आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड लास्ट जो आ रहा है वो है सिम्टम्स का। तो अब सिम्टम्स में जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्ने, एपेटाइट, ब्लोटिंग और कंजेशन, कफिंग, डायरिया, डिजीनेस, फटीग, फीवर, हेडेक। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इसको थर्ड पार्टी ऐप के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी iOS 13.5 की, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया में तो अभी जो है आरोग्य सेतु ऐप ही है जो चल रही है और जिसके थ्रू सारा कोविड का ट्रैकिंग हो रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो इंडिया में ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी ऐप ने हमारे COVID-19 को ट्रैक करने के लिए परमिशन किसी और ऐप को अभी तक नहीं दी गई है। तो फिलहाल तो आरोग्य सेतु के थ्रू ही वो हो रहा है, बट स्टिल ये भी एक फीचर है जो इस बार एप्पल में नया आया है। इसके अलावा बाकी इसमें तीसरा और सबसे मेन जो अपडेट आया है वो आया है सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में हम जाएँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अब एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अपडेट का। ये जो ऑप्शन आया है कस्टमाइज ऑटोमेटिक अपडेट, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, डाउनलोड iOS अपडेट और सेकंड है इंस्टॉल iOS अपडेट। सपोज अगर आपको सिर्फ अपना जो है अपडेट डाउनलोड करना है और उस वक्त इंस्टॉल नहीं करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ही ना हो तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उससे यही होगा कि अगर कभी किसी को अपने फ़ोन में स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, और जब उनको लगे कि अब हमें अपना ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी आएगा उसको इंस्टॉल करना है तो उस वक्त वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो इस वाले अपडेट में आया है। बाकी इसके अलावा एक इशू और आया है कि जब भी आप अपने फ़ोन को iCloud से सिंक करते थे तो उस वक्त कुछ ऐप्स जो हैं वो फ्रीज हो जाती थी, तो ये भी एक इशू है जो इस वाले अपडेट में सॉल्व किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो इशू सॉल्व किए गए हैं वो है जैसे कि थर्ड वाला इशू कि अगर कोई अपने फ़ोन में eSIM यूज़ करता था तो डाटा रोमिंग ऑन करने के बाद भी वो डाटा रोमिंग जो है अपीयर नहीं करता था, उसको ऑफ ही दिखाता था, तो ये भी एक इशू है जो इस वाले में सॉल्व किया गया है। बाकी ये कुछ और इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किया गया है इनके अलावा। जैसे कि इसमें एक इशू है कि जब भी आप वाईफाई पे कॉलिंग करते थे तो ऑडियो जो है उसमें इंटरप्ट होता था, और एक है कि जो भी पुराने डिवाइसेस जैसे कि आईफोन 6s और SE हो गया है तो वो वाईफाई कॉलिंग पे रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पा रहा था, तो वो भी एक इशू जो है वो इसमें रिजॉल्व किया गया है। इसके अलावा एक और इशू है जो जैसे भी अगर कभी आपने कोई थर्ड पार्टी कीबोर्ड अपने iPad या iPhone से कनेक्ट किया होता था तो उसको कनेक्ट होने के बाद भी जो है डिजिटल कीबोर्ड जो आपकी स्क्रीन पे आता है वो अपीयर हो जाता था, तो ये एक इशू और है जो इसमें सॉल्व किया गया है। इसके अलावा कई एक इशू जो और इसमें सॉल्व किया गया है वो मेन इशू यही है सेकंड लास्ट वाला, कि जब भी आप कंट्रोल सेंटर खोलते थे और अगर उस वक्त आपका असिस्टिव टच, अगर आप असिस्टिव टच को यूज़ करते हैं और वो एनेबल्ड है और उस वक्त अगर आप कंट्रोल सेंटर खोलते थे तो कंट्रोल सेंटर जो है वो फ्रीज हो जाता था, तो ये एक इशू है जो इसमें रिजॉल्व किया गया है। तो ये कुछ मेन इशूज़ थे मेरे हिसाब से जो मुझे लगे कि जिनके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। इसके अलावा एक दो इश्यूज और हैं जो इतने ज़्यादा
मैटर करती नहीं है, जैसे जैपनीज कीबोर्ड वाला और दूसरा यूएस कॉलिंग वाला जो है। इसके अलावा ये कुछ इश्यूज थे जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अपडेट इसमें आए हैं, और iOS 13.5 में जो भी पहले प्रॉब्लम किसी को फील हो रही थी तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है अब रिजॉल्व कर दी गई है। अपडेट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे अलग अलग है, तो मैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा दिखाने के लिए कि 10R पे उसका क्या साइज़ था और 10S पे उसका और 11 पे क्या साइज़ है। बाकी अपडेट जो है काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर लेना चाहिए, फ़ोन की परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव ही होगी। बाकी तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपडेट होने से पहले स्टोरेज थी 159.86 GB अवेलेबल, और अपडेट होने के बाद जो इसमें स्टोरेज मेरी हो गई थी वो थी 160.22 GB, तो यानी कि 360 MB जो है वो मेरे फ़ोन की इंक्रीज़ हो गई थी। डिपेंड करता है हर एक डिवाइस पे, किसी में बढ़ भी सकती है, किसी में स्टोरेज थोड़ी कम भी हो सकती है। बाकी मेरे फ़ोन में स्टोरेज जो है 360 MB बढ़ी है। तो iPhone XR और 11 को भी मैंने कर दिया है अपडेट, और इन दोनों इमेजेस में आपको दिख जाएगा कि अपडेट होने से पहले इनमें कितनी स्टोरेज अवेलेबल थी और अपडेट होने के बाद अब इनमें कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। हालांकि दोनों डिवाइसेस में थोड़ी थोड़ी स्टोरेज बढ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। Thank you so much guys, goodbye and take care.